हेलो बच्चों, फार्मूला फोरम 11 क्लास में आज हम केमिकल बॉन्डिंग में प्रिडिक्शन ऑफ शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री को डील करेंगे. ठीक है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन का पहले मैं आपको शॉर्ट में मीनिंग बता देती हूँ और उसके बाद डायरेक्टली हम इसके फार्मूला और प्रैक्टिस पार्ट पर आएंगे. हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल भाषा में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसा था, एक घर था, उस घर में मम्मी पापा और दो छोटे बच्चे थे. ठीक है, उनके घर में गेस्ट आए, गेस्ट उनके लिए गिफ्ट लाए. ठीक है, जब उन्होंने गिफ्ट के पैकेट्स खोले तो क्या देखा कि मम्मी पापा के जो गिफ्ट का पैकेट था उसमें लड्डू थे बड़े. ठीक है, दो बड़े बड़े लड्डू थे, एक मम्मी के लिए एक पापा के लिए. बच्चों ने जब अपने छोटे पैकेट्स खोले तो उन्होंने उसमें देखा कि उसमें दो में सब में एक एक छोटे छोटे लड्डू थे, यानी टोटल चार लड्डू उनके गेस्ट उनके लिए लाए थे. तो जब बच्चों ने देखा कि हमें तो कम मिला है, मम्मी पापा को ज़्यादा मिला है, तो वो रोने लग गए कि हमें भी बड़ा ही चाहिए. तो मम्मी ने क्या किया, उन चारों लड्डुओं को लिया, एक प्लेट में रखा और उन्हें तोड़ दिया. ठीक है, तोड़ने के बाद फिर से चार ही नए लड्डू बनाए, लेकिन अब की बार चारों सेम साइज के थे. जब वो बच्चों को दिए और बच्चों ने अपने मम्मी पापा के देखे तो वो हैप्पी हो गए कि हाँ, हमें भी सेम साइज का मिला. अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, जो बड़े लड्डू थे और छोटे लड्डू थे, बड़े लड्डू में ज़्यादा कैलोरी यानी ज़्यादा एनर्जी थी, छोटे लड्डू में कम कैलोरी यानी कम एनर्जी थी. ठीक है, तो यानी पहले जो लड्डू थे वो ज़्यादा अलग अलग एनर्जी के थे, अलग अलग साइज के थे. मम्मी ने क्या किया था, उन्हें तोड़ा, उतने ही चार ही नए लड्डू बने, लेकिन अब की बार वो सेम साइज के थे, सेम एनर्जी यानी सेम कैलोरी के थे. ठीक है, अब मेरे इस एग्जांपल में लड्डू वर्ड की जगह आप ऑर्बिटल वर्ड कर लो. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग, यानी जो लड्डू की मिक्सिंग हुई थी, मिक्सिंग ऑफ दोज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ, फिर से न्यू फॉर्मेशन ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी. तो आप हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या लिखेंगे, इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कैसे ऑर्बिटल्स, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज, एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी. ठीक है, तो पुराने डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के, डिफरेंट एनर्जी के लड्डू यानी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से उतने ही नंबर के सेम शेप और सेम एनर्जी के नए लड्डू या नए ऑर्बिटल का बनना इज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अच्छा, अब मिक्सिंग अगर हो रही है टू ऑर्बिटल्स की तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस और पी. अगर मिक्सिंग हो रही है तीन ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी एस पी टू. अगर मिक्सिंग हो रही है चार लड्डू चार ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिडाइजेशन का नाम वुड बी एस पी थ्री. अगर मिक्सिंग हो रही है फाइव की तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी एस पी थ्री डी. अगर सिक्स की हो रही है एस पी थ्री डी टू, और अगर सेवन की हो रही है तो एस पी थ्री डी थ्री. ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और इनके बारे में हम 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में डील करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इन मिक्सिंग को आप कैसे प्रिडिक्ट करें, अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक फॉर्मूला बता रही हूँ, और उससे वेस्पर टेबल की हेल्प से हम इसका प्रिडिक्शन करेंगे. ठीक है, तो ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन को जब हम फॉर्मुलेशन से चेक करते हैं तो हमें देखनी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू जो हमने वेस्पर टेबल में की है. इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू एक फॉर्मूला से होती है, फॉर्मूला को आप लिखेंगे वी प्लस एम प्लस माइनस सी बाई टू. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है. V का क्या मतलब है, यहाँ पर V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, किसका, एचओडी एटम या सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस शेल का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, M, M होता है नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स. मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, ये मोनोवेलेंट एटम्स यानी वन वैलेंसी वाले एटम्स में काउंट होंगे. सी फॉर चार्ज,
चार्ज में आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज है तो फॉर्मूला में माइनस साइन लगाना है, यहाँ माइनस चार्ज है तो वहां पे प्लस साइन लगाना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन पर मैं आती हूँ, मैंने लिया CO2। CO2 का सबसे पहले सेंट्रल एटम या HOD एटम बताइए कौन, ये कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के, कार्बन का कॉन्फिगुरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट 2s2 2s2 2p2, ठीक है। तो कार्बन के लिए V की वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू हो गई इसकी 4। क्या कार्बन से इनमें से कोई एटम अटैच है, कार्बन से O अटैच है, क्या O मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है, तो M की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, M की वैल्यू 0 हो गई। क्या CO2 के ऊपर कोई चार्ज है, नो चार्ज, तो यहाँ पर C की वैल्यू भी कितनी हो गई, यहाँ पे C की वैल्यू भी 0 हो गई। फॉर्मूला में आप रख दीजिए, तो आप रखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू 4 प्लस 0 प्लस 0 बाई 2, कितना आ जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा sp, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 आ गया, बॉन्ड पेयर ये बताइए कार्बन से कितने एटम्स बॉन्डेड है, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं 2 एटम्स बॉन्डेड है, 2 एटम्स यानी बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना निकला 2, बॉन्ड पेयर कितना निकला 2, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 0 प्लस 2, लोन पेयर 0 आ गया, यानी VSEPR टेबल से EPR, VSEPR टेबल से 0 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन, VSEPR टेबल के 0 प्लस 2 के कॉम्बिनेशन पर जो ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है लीनियर, लीनियर यानी आप C को बनाएंगे ऐसे और ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है ये आपको बात पता होनी चाहिए, तो आप ऑक्सीजन के लिए डाइवेलेंसी यानी डबल बॉन्ड प्लेस कर देंगे 180 डिग्री का एंगल, और क्योंकि जो लोन पेयर जब 0 होता है उस केस में जो ज्योमेट्री वही शेप होता है, तो इसका जो शेप होगा वो भी लीनियर होगा, और इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन शेप और ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं, मेरा एग्जाम्पल है NH4+, ठीक है। NH4+ में सबसे पहले बताइए इसका HOD एटम या सेंट्रल एटम कौन, इसका सेंट्रल एटम मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम या HOD एटम कैसे पहचानेंगे, वो एटम जो मॉलिक्यूल में मिनिमम नंबर में हो और मैक्सिमम वैलेंसी वाला हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, नाइट्रोजन की 3 या 4, या आप इसे 4 वैलेंसी पर रहिए, ठीक है, 4 होती है, तो ज्यादा वैलेंसी वाला एटम सेंट्रल एटम या HOD एटम, जिसके ज्यादा हैंड्स होंगे वो HOD एटम होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन का नंबर भी कम है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यही सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कॉन्फिगुरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आपको जो 10th स्टैंडर्ड में कॉन्फिगुरेशन सिखाया गया था आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए तो 2, कितना 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 हो गए, 5 हो गए, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 5, M की वैल्यू, क्या नाइट्रोजन से मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, इनमें से कोई एटम है H है, यहाँ पे कितने मोनोवेलेंट दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 4। इज देयर एनी चार्ज अराउंड द मॉलिक्यूल NH4+, प्लस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है, ठीक है, तो प्लस 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या लिखेंगे -1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए, V हो गया 5, M 4, -1/2, कितना आ जाएगा 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल गया 4, बॉन्ड पेयर बताइए कितना, बॉन्ड पेयर N से 4 एटम्स बॉन्डेड है, यानी बॉन्ड पेयर 4, फॉर्मूला इज इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर कितना आना चाहिए 0। अब अगेन आप VSEPR टेबल देखेंगे, VSEPR टेबल से जब आप देखेंगे 0 प्लस 4 के कॉम्बिनेशन पर ज्योमेट्री क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का डिजाइन कैसा बनेगा, एन के अराउंड टेट्राहेड्रॉन मैनर में आप 4 हाइड्रोजन इस तरह से
प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं बोल दूँ, शेप भी सेम ही होगा क्योंकि लोन पेयर जीरो है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थ्री पर आते हैं। ये हम लेते हैं HCF2। ठीक है, HCF2 में सेंट्रल एटम या HOD एटम बताइए कौन होना चाहिए, ज़ेनॉन। ये लिख दिया हमने ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट होता है, ये 8 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, V की वैल्यू 8 होनी चाहिए, ज़ेनॉन इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, N की वैल्यू, ज़ेनॉन से दो फ्लोरीन अटैच्ड है, क्या फ्लोरीन इस सीरीज में आ रहे हैं, ये रहा फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है ना, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इज देयर एनी चार्ज अराउंड द मॉलिक्यूल, HCF2 न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। C की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे। ऊपर जो फॉर्मूला मेंशन है इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसमें वैल्यू प्लेस करिए, V की वैल्यू हो गई 8, N की वैल्यू कितनी हो गई 2, चार्ज 0 बाई 2, 10 बाई 2 5, 5 यानी कि sp3। डी इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है 5, बॉन्ड पेयर बताइए, ज़ेनॉन से कितने एटम्स बॉन्डेड हैं, 2 एटम्स बॉन्डेड हैं, यानी बॉन्ड पेयर इज 2। अब अगर बॉन्ड पेयर 2 है, ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 2 है, बताइए लोन पेयर कितने रख दें, 3 लोन पेयर रख दें। वेस्पर टेबल से 3 प्लस 2 के कॉम्बिनेशन पर जो ड्राइंग बनेगी वो क्या बनेगी, थ्री लोन पेयर्स, सेंटर में ज़ेनॉन, ऊपर और नीचे फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये बन गया लीनियर शेप, और ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 4, XeO2F2। ठीक है, अगेन सेंट्रल एटम इज ज़ेनॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, V की वैल्यू 8 है, ज़ेनॉन से दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन लिंक्ड है, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है उसे तो आप नहीं लिखेंगे, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है आप उसे लिखेंगे, M की वैल्यू 2, चार्ज अगेन 0 है, वैल्यू प्लेस करेंगे सेम कहानी sp3, डी इलेक्ट्रॉन पेयर 5। ठीक है, अच्छा अब बॉन्ड पेयर बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 आ गया, ज़ेनॉन से 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन बॉन्डेड है, टोटल हो गए 4 एटम्स, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4। इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू प्लेस करें, इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5, बॉन्ड पेयर इज 4, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर 1 आ जाएगा। 1 प्लस 4 का कॉम्बिनेशन वेस्पर टेबल से आप देखेंगे, 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, सेम ज्योमेट्री, ये लोन पेयर ज़ेनॉन। अच्छा, इन 4 बॉन्ड्स पर आएगा, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जब 2 वेराइटीज के एटम्स हो, वेराइटी मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स हो, तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल यानी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो बॉन्ड्स होते हैं, उन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी F रखा जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसके प्लेन में रखा जाएगा, ट्राइंगल के प्लेन में, और ऑक्सीजन जो है क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है उसको डबल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए, और फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए, तो इस तरह से इसका जो शेप बन गया, अब हम इसे क्या बोलेंगे, इट्स सी सॉ शेप बट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।